एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद दृशानी। कैसे हो आप सब लोग? दृशानी ना मेरे वीडियो में हो ही नहीं सकता है। तो आज तो मेरी हालत पंचर हो गई है, पूरा से पंचर हो गई है। और अभी तक कुछ मतलब हेवी खाना नहीं खाया है, एक बजने वाला है, 12:30 बजे मतलब फ्री हुए हैं तो ब्रेकफास्ट किए हैं। ब्रेकफास्ट बहुत हल्का किए हैं क्योंकि कुछ बना ही नहीं था, बना नहीं पाए, बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। सुबह से ही क्लीनिंग में लगे हुए हैं तो वही फ्रूट खाए हैं, बनाना खाए हैं और क्या खाएंगे, और हाँ दाल पिए हैं क्योंकि दाल मैं चढ़ा दी थी तो दाल मेरे बन गए थे तो दाल पिए हैं अभी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट खाना बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 1 बज गया है और भूख तो लगी हुई है क्योंकि बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया है। करेला खाना है, हाँ ठीक है। तो आज मैं बेड की पूरा डीप क्लीनिंग की हूँ। और आप लोगों का क्वेश्चन भी आया हुआ था बहुत पहले कि बेड को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो मेरा बेड बॉक्स वाला है तो इसके अंदर बहुत सारे सामान है। मैं आप लोगों को बताऊंगी जब आप वीडियो देखोगे आगे, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और किस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। मैं 1 ईयर में लगभग 3 से 4 बार बेड की क्लीनिंग करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, बस 3 से 4 बार करती हूँ। तो अभी बहुत दिन हो गया था, लगभग 3 से 4 मंथ हो गया था मुझे बेड की डीप क्लीनिंग किए हुए, तो इसलिए मैं आज शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। आज तो मैं पूरा बेडरूम का लुक चेंज कर दी हूँ पूरा से, क्योंकि पहले मेरा बेड अलग तरीके से रखा हुआ था और अभी देख सकते हो किस तरीके से रखा हुआ है। तो जब इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हमारा बेड ऐसे ही रखा हुआ था, बीच में कुछ इधर उधर उलट पुलट किए सामान को और अभी बहुत सारे चीज़ों को उलट पुलट करना है, तो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी और बाद में करूंगी। फिलहाल तो पेट पूजा किया जाए, तो हमारा पूजा वूजा तो भगवान का हो चुका है लेकिन पेट का पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा बातें करूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलिए अभी आप लोग देखिए कि मैं बेड की डीप क्लीनिंग कैसे की हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। तब तक मैं जाती हूँ लंच बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो बेड की क्लीनिंग करने के लिए पूरे सामान को हटाना पड़ेगा, तो कुछ सामान तो मैं रख कर आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो जितने भी पिलो थे बेड पे सारे मैं उधर रख दी हूँ और ये मैं दृशानी को बोल रही हूँ ले जाकर रखो, लेकिन उससे जाएगा नहीं, मैं खुद ही लेकर जा रही थी। और अभी मैं बेडशीट निकाल रही हूँ और ये बेडशीट मैं बिछाऊँगी फिर बाद में, क्योंकि वो साफ़ है, अभी मैं धोऊँगी नहीं, तो इसलिए मैं उसे अलग रखी हूँ ताकि वो गंदा ना हो जाए। और इस पर जो मैट्रेस का कवर लगा हुआ है उसे मैं निकाल के धोऊंगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे धोए हुए, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। और मैट्रेस इतना भारी है कि मुझसे उठ ही नहीं रहा था, तो जब भी मतलब बेड की क्लीनिंग करनी रहती ना डीप क्लीनिंग बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि बेड के अंदर बहुत भारी भारी चीज़ें रखा हुआ है, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं उसके अंदर जो कि मतलब बाहर नहीं रख सकते हैं, बहुत सारा बैग है उसके अंदर। तो अभी देखो मैट्रेस मेरे से नहीं उठा है तो मैं छोड़ दी हूँ, हस्बैंड को बुला रही हूँ, दृशानी वहाँ पे बैठ के आराम से खेल रही है। तो अभी मैं ये मैट्रेस आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मैट्रेस है, 2 साल पहले हम लोग खरीदे थे। और ये मैट्रेस ऑर्थोपेडिक है, तो ऑर्थोपेडिक मतलब बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों को बैक पेन होता है उन लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है, इस पर सोने पे बैक पेन नहीं होता है और बहुत कम्फर्टेबल भी है, सोने में दोनों साइड से आप सो सकते हो। और ये 6 इंच का है मैट्रेस, हम लोग 8 इंच का ऑर्डर करने वाले थे लेकिन अच्छा हुआ कि 8 इंच का ऑर्डर नहीं किए, 6 इंच का ही, इतना मोटा है, इतना भारी है, तो 8 इंच का पता नहीं कितना ज़्यादा रहता, तो थोड़ा थोड़ा गंदा भी हो गया है क्योंकि जब ये ख़रीदे थे उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम लोग इसमें वाटरप्रूफ जो मैं लगाती हूँ इसमें कवर ब्लू कलर का आपने देखा होगा, वो मैं बहुत बाद में ली, तो दृशानी बहुत छोटी थी तो थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया था, वाइट कलर का है ना इसलिए कभी कभी उस पर दूध भी गिरा देती थी और कभी कभी पानी भी गिरा दी है 1-2 बार, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। और ये दोनों साइड से आप सो सकते हो, बहुत अच्छा है, अगर आप लोग को लेना होगा तो ले सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी लेकिन हाँ डिलीवरी बहुत लेट दिया था, माइकॉट डिलीवरी की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत लेट दिया था, पूरा 1.5 मंथ पे दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो ये प्लास्टिक आप देख रहे हो, तो ये मैट्रेस का ही कवर है, मतलब पैक किया हुआ था इसी प्लास्टिक से, तो मैं फेंकी नहीं क्योंकि मैं बेड के नीचे बिछा देती हूँ ताकि मैट्रेस गंदा ना हो, तो इसलिए मैं रखी हूँ। और इसके नीचे मतलब ये मैट रहता है, मैट भी मैं बिछा के रखती हूँ।
आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आता है बेड को लेके, सोफ़ा कम बेड है उसके उसको लेके भी क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ से ख़रीदे हो। तो हम लोग मुंबई में रहते हैं तो यहीं से ख़रीदे हैं, लेकिन ये बेड मतलब वासी से ख़रीदा हुआ है। वासी पहले हम लोग रहते थे और ये मतलब शादी से पहले का बेड है मेरा। शादी का 5 साल हो गया, 1 साल पहले वो ख़रीदे हुए थे। 6 साल हो गया बेड और सोफ़ा कम बेड दोनों का 6 साल हो गया है। तो 6 साल पहले मेरे हस्बैंड ख़रीदे हुए थे। और आप लोग प्राइस भी पूछते हो कितने में लिए हुए थे, तो 25,000 पे दोनों लिए हुए थे सोफ़ा एंड बेड। तो जो मेरा सोफ़ा है वो सोफ़ा कम बेड है, तो कोई भी गेस्ट आता है हमारे घर में तो उसी पे सोता है, बहुत कंफर्टेबल फील भी होता है सोने में। तो भी बेड के अंदर देख सकते हो कितने खजाने भरे हुए हैं। तो ये खजाना बहुत सस्ता खजाना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो थोड़ा बहुत मतलब कार्टून आपको दिख रहा है, उसमें बुक है मेरे हस्बैंड का, और उसके बाद एक मिक्सर का बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर मिक्सर है। अच्छा है मेरे पास दो दो मिक्सर है, तो वो इसलिए मैं एक रख दी हूँ अंदर और एक अभी यूज करती हूँ। और कुछ बैग आपको दिख रहा है, तो उस बैग में कपड़े हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ साथ, सारे बैग में निकाल के रख रही हूँ, वो ले जा के रख रहे हैं लिविंग रूम में। तो अभी आप देख सकते हो इसके नीचे कितना गंदा है, कितना कचरा भरा हुआ है। तो अभी मैं सब साफ करूँगी। तो इसके अंदर बहुत सारा सामान गिरा के रखी है दिलीशानी, मेरा क्लचर है, कंघी है, बॉल दिख रहा है, बहुत सारे पैसे गिराई हुई है, चिल्लर गिराई हुई है पूरे कोने में। तो सब मैं निकालूंगी अभी। और मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो जहाँ तक मेरे हाथ जाते हैं वहाँ तक मैं साफ कर देती हूँ। वैसे ये बेड को पूरे दीवार में मतलब सटा के रखा हुआ है ना, जिसकी वजह से मुझे एक ही साइड से बनता है साफ़ करने में, तो दोनों साइड से नहीं बनता है। अगर दोनों साइड से बनने वाला रहता तो मैं अच्छे से साफ़ करती तो इतना गंदा नहीं होता। तो अभी देख सकते हो कितना सारे कचरे निकले हुए हैं। और अभी मैं पूरे बेड को अच्छे से पोछूंगी, क्योंकि बेड भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये बेड के ना पेंट निकल रहे हैं, तो मुझे पेंट भी करना है, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी, बाद में करूँगी, पूरा क्लीनिंग करूँगी, पेंट मंगाऊँगी तो करूँगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पेंट निकला है वहाँ पे जंग लग रहा है। तो पेंट नहीं करूँगी तो पूरे से बेड ख़राब हो जाएगा। और अभी पूरे बेड को मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, अच्छे से कपड़े भिगो कर मैं पोछती हूँ। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के पूरे अच्छे से ये बेडरूम को धोऊँगी। तो वाइपर से मैं सारे पानी को काछूँगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गंदे थे। और पोछा अगर मैं लगाऊँगी तो भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो देखिए मैं बेड को पूरे अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और पूरे घर को मैं धो दी हूँ। और उसके बाद अभी मैं थोड़ा पोछा भी लगा दे रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत गीला है तो सूख जाएगा जल्दी से, तो इसलिए मैं पोछा लगा रही हूँ, और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अभी मेरे पूरे घर की हालत आप देख सकते हो, लिविंग रूम की तो हालत आप देख ही रहे हो, पूरा सामान बिखरा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली की सफाई हो रही है। और दिवाली की सफाई मेरी ऐसे ही होती है, सारे सामान में निकाल के अच्छे से साफ़ करती हूँ। और दिशानी को देखो कितने अच्छे बच्चे की तरह पढ़ रही है, ब्लैंकेट ओढ़कर, इतना भी ध्यान नहीं दे रही कि मेरा ब्लैंकेट गंदा हो रहा है, देखो कितने मस्ती से वो पढ़ रही है। और अभी पूरे बेड की क्लीनिंग हो गई है और बेडरूम का भी क्लीनिंग हो गया है। तो अभी बेड के अंदर सारे सामान रखना है, बेड भी अच्छे से सूख गया है। और जो भी सामान था ये सारे आप देख रहे हो, बैग वगैरह सबको मैं गीले कपड़ा करके पोछी हूँ, धोई नहीं हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम में कोई कोई बैग को मैं धोती हूँ। वैसे भी इस बैग का ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो गीला कपड़ा करके ही पोछ देते तो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं हम।
दोस्तों, अभी आप देख सकते हो इसी तरह से मैं सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस वही बैग वगैरह रखा रहता है और बैग के अंदर भी वही कपड़े वगैरह है और कुछ मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो कि रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो सब रखा हुआ है। तो अभी मैं बेड को चेंज कर दी हूँ, इस तरह से रख दी हूँ। पहले मेरा बेड अलग तरीके से रखा हुआ था, तो जब भी मैं बेड की क्लीनिंग करती हूँ तो हमेशा बेड को चेंज कर देती हूँ। और जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मेरा बेड इसी तरह रखा हुआ था, तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। और अभी मैं सारे बेड पे मतलब बिस्तर लगा दूँगी। और यहाँ पर जो मैं कपड़े निकाल के रखी थी, जो उसका कवर था मैट्रेस का, वो सब मैं धो देती हूँ, डुबा देती हूँ। जब तक मैं घर में पूरे पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तब तक ये फूल जाएंगे अच्छे से। और ये डोरमैट है तो उसे भी मुझे धोना है, बहुत गंदा हो गया है। तो अभी मैं घर में पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर ली हूँ और अभी मैं फटाफट बनाने जा रही हूँ लंच, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि कुछ भी नहीं खाए हुए थे। पहले मुझे बना लेना चाहिए था, फिर उसके बाद क्लीनिंग करना चाहिए था। तो मैं 8:30 बजे से ही क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैं दाल चढ़ा दी थी और करेला का मुझे भुजिया बनाना था तो उसको मैं काट ली हूँ। और अभी मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो अभी हम लोग बेड पे बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्तर भी मैं लगा ली हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा बेड कैसा दिख रहा है, इस तरह से मैं चेंज की हूँ। तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये पहले जिस तरह रखा हुआ था उसी तरह बोल रहे हैं रखने के लिए। और पहले जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो इसी तरह बेड रखा हुआ था तो उनको अच्छा लगता था, तो मैं थोड़ा सा चेंज की हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। वैसे मेरा बेडरूम का दिशा ही अलग है, किसी भी तरह बेड रखती हूँ तो सोने में बनता ही नहीं, हम लोग को उल्टा सोना पड़ता है। तो अभी हस्बैंड यहाँ पे चावल के बोरे खोल रहे हैं, ये भी कोलम राइस ही है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये राइस कैसा है क्योंकि 4-5 दिन पहले ये आया है। तो जिस शॉप से हम लोग मंगाए हैं राइस को, तो उसके पहले भी हम लोग मंगाए थे राइस, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं था, जूना वाला नहीं था, वो नया वाला चावल दे दिया था तो गीला गीला चावल होता था। इसलिए मैं देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, आज मैं इसी में से चावल बनाऊँगी और देखूँगी, अगर अच्छा होगा तो रखूँगी, नहीं तो वापस कर दूँगी। तो और इसमें कीड़ा भी देखना था तो कीड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये 30 kg है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा 25 kg नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। 25 kg का हम लोग लाते हैं तो वो भी बहुत दिन तक जाता है, ये तो 30 kg का है। तो अभी मैं ये चावल बनाऊँगी। और एक बार आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ था कि दीदी आप चावल कुकर में कैसे बनाते हो, आपका चावल गीला होता है या नहीं। तो मेरा चावल कभी गीला नहीं होता है, लेकिन चावल चावल में भी फ़र्क होता है। कोई कोई नया चावल होता है वो गीला हो जाता है, आप किसी भी तरह बनाओ। तो मैं ये गिलास चावल ली थी तो उसके हिसाब से मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और अभी 1.5 गिलास ही पानी डालना है। तो ये कच्चा चावल है, कच्चा चावल है तो 1.5 गिलास ठीक है, अगर पक्का चावल है तो थोड़ा और ज़्यादा डालना चाहिए। उसके बाद मैं इसे गैस पर चढ़ा दी हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे 1 सीटी तक पकाऊंगी। एक ही सीटी में मेरा चावल बनके रेडी हो जाता है, मैं हमेशा 1 ही सीटी लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं करेला का भुजिया भी बना रही थी तो वो भी मतलब फ्राई हो गए हैं, थोड़ा सा और लाल होंगे, थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा, उसके बाद मैं निकाल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे आलू और भिंडी की भुजिया बना रही हूँ सिंपल सा। तो मैं ऑयल डाली हूँ और ऑयल में मैं हरी मिर्च डालना भूल गई हूँ, प्याज डाल दी हूँ डायरेक्ट। उसके बाद इसमें मैं आलू डाल दी हूँ और आलू को थोड़ा टाइम तक मैं फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद भिंडी काट के रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ और हरी मिर्च भी मैं डाल दी हूँ। और अभी मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, उसके बाद हल्दी नमक डाल दूँगी। हल्दी नमक डालने के बाद इसे कुरकुरा होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। जब ये सब्ज़ी अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, तो सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और अभी
मैं कपड़े भी उतार लेती हूँ। कपड़े उतार के मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी। तो अभी मेरा लंच बन के रेडी हो गया है। मैं खाना भी निकाल ली हूँ, तो देख सकते हो आलू भिंडी की भुजिया है और करेला का भुजिया है। बहुत पसंद आता है दिरिशानी को करेला का भुजिया, आलू और भिंडी का भुजिया। तो आज का सिंपल सा लंच है लेकिन बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और दाल है, चावल है, चावल देखे कितने खिले खिले बने हैं, चावल बहुत अच्छे खिले खिले बने हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने। लंच करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। सो गाइज, अभी शाम हो गई है, 7 बज गया है और लंच करने के बाद मैं इतना लंबा सोई हूँ कि बता नहीं सकती हूँ, और आप मेरे आंखों से समझ सकते हैं। 6:30 बजे उठी हूँ मैं, और अभी दिरिशानी जिद कर रही नीचे जाने के लिए, बच्चे लोग को देख रही है ना काफ़ी टाइम से, तो अभी जिद कर रही है। मुझे भी साइकिल चलाना है तो अभी मुझे लेकर जाना पड़ रहा है उसे। और अभी बारिश जैसा पूरा मौसम हो गया, पूरा बादल काला काला छाया हुआ है, लेकिन फिर भी समझ नहीं रही है। तो चलिए थोड़ा सा मैं उसे घुमा देती हूँ, फिर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग से बातें करूँगी। तो अभी आप दिरिशानी को देख सकते हो, कुर्ते स्लीपर पहन रही है, और मैं ऐसे बोलूँगी ना कि पहन लो तो नहीं पहनेगी, बोलेगी नहीं मुझे पहना। और जब उसको नीचे जाना रहता है ना तो खुद से रेडी हो जाती है, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और एकदम फटाफट रेडी हो जाती है। वैसे बहुत दिनों बाद आज वो नीचे आई है, बच्चे लोग को देख के ना मतलब उसका भी मन होता है ना कि हाँ मैं नीचे आऊँ। तो वैसे भी अभी बहुत सारे बच्चे लोग नीचे खेलते हैं, पहले तो नहीं खेलते थे तो वो भी जिद नहीं करती थी, अभी बच्चे लोग को देखती है ना साइकिल चलाते हुए बहुत जिद करती है। तो आज इतना ज़्यादा रोने लगी है इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ। वैसे पहले तो अभी थोड़ा सा साइकिल चलाएगी, उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद मैं घर लेके चली जाऊँगी और मैं भी थोड़ा सा घूम लेती हूँ। बारिश हो गया, बारिश 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 आ रहा है, बारिश भागो दिशानी भागो। इतनी बारिश तेज होने लगी, अभी हम लोग भागे भागे आए हैं, भीग भी गए थोड़ा थोड़ा। ओ माय गॉड, भीग गए दिशानी के दिल, दिशानी भी भीग गई है ना। चलो घर चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से। तो गाइज, बारिश बहुत तेज होने लगी है, अच्छा बच्चे हम लोग बाहर गए, दिशानी तो आना नहीं चाह रही थी, नहीं मम्मा नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बारिश नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इतना जबरदस्त बारिश हो रहा है ना, जब मैं गई थी तभी मुझे लगा कि बारिश बहुत जबरदस्त होने वाला है, पूरा काला काला बादल मतलब छाया हुआ था। अभी आकर फ्रेश हुए, हैंड वॉश किए, हाथ पैर धोए अच्छे से, और क्या मजा आया, फ्रेश लग रही है अभी, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर सच में निकल जाओ, थोड़ा सा घूम फिर लो, अच्छा लगता है। और अभी मैं साइकिल धोऊंगी तो थोड़ा टाइम बाद धोऊंगी, क्योंकि अभी संध्या का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ दिया जलाने। गॉड, जबरदस्त बारिश हो रहा है सच में। सो गाइज, अभी हम लोग डिनर कर लिए हैं, और डिनर ज़्यादा कुछ बनाए नहीं है, हस्बैंड का बाल काटने लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। कल मैं बताती हूँ कि उनका बाल मैं कैसे काटी हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बाल, एकदम खराब लग रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं
कंप्यूटर सेट करने जो मैं मतलब निकाली हूँ, तो वो अभी सेट करने जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, 3 दिन से लगातार मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मतलब यूट्यूब पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आप लोग को शेयर भी की थी 2-3 दिन पहले का ब्लॉग में कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोडिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है। और मेन बात है ना, उसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। 2 दिन मैं बहुत ज्यादा मतलब मोबाइल यूज की हूँ, दिन रात मतलब मोबाइल में ही काम करते रह गई, तो जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। 2 दिन तक बहुत ज्यादा दर्द था, तो वही मैं थोड़ा आराम की हूँ। और अभी चलिए कल से कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।